विश्लेषण में बात करेंगे आजम खान की, जिन पर फिर एक बार मुकदमों की तलवार लटकने लगी है, क्योंकि आजम खान पर एक नहीं दो मुकदमे दर्ज हो गए। आजम पर गवाह को धमकाने और कोर्ट में गवाही ना देने का आरोप लगा है। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये आजम पर मुकदमों की सेकेंड इनिंग है, क्योंकि 2019 में जब आजम खान जेल गए थे तब भी ऐसे ही मुकदमे दर्ज हुए थे। गवाह को धमकाना पड़ा भारी, आजम पर फिर मुकदमेबाजी। तीन महीने पहले हुई थी रिहाई, नए मुकदमे में जल्द होगी सुनवाई। जिस रामपुर में कभी आजम खान की तूती बोलती थी, उसी रामपुर में आजम खान के खिलाफ मुकदमों की लिस्ट लंबी होती जा रही, क्योंकि अभी तीन महीने पहले आजम खान जेल से रिहा हुए थे कि अब आजम खान पर दो नए मुकदमे दर्ज हो गए, जिसमें आजम खान पर गवाह को धमकाने और अदालत में बयान ना देने का दबाव बनाने जैसे आरोप है, जिसको लेकर आजम पर 147, 195 रे, 506 और 120 बी जैसी धाराएं लगाई गई हैं। देखिए, आजम खान अभी भी जो सच्चाई है ना, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। अभी जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो उसका नशा था वो भी उतरा नहीं है लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। किसी गरीब को आप धमकी देंगे और देख लेने की बात कहेंगे, जबरदस्ती समझौता करने की बात कहेंगे, तो कानून तो अपना काम करेगा ही। दरअसल ये पूरा मामला तीन साल पुराना है। साल 2019 में नन्हे नाम के एक शख्स ने आजम खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आजम खान जमानत पर जेल से रिहा है। इस मुकदमे का ट्रायल रामपुर की स्पेशल MPMLA कोर्ट में चल रहा है। जो मुकदमे के वादी नन्हे हैं वो लगातार जो है इस मुकदमे से गैर हाजिर चल रहे थे। इस बीच उन्होंने रामपुर पुलिस से शिकायत की है कि आजम खान व उनके दूसरे करीबी लोग लगातार डरा धमका रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो नन्हे की शिकायत पर आजम खान समेत 6 लोगों के खिलाफ IPC की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मतलब आजम खान की टेंशन एक बार फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि 2019 में जब आजम खान जेल गए थे तब ऐसे ही मुकदमे दर्ज हुए थे, जो बढ़ते बढ़ते 88 तक पहुंच गए, जिसके बाद आजम खान को 27 महीने जेल में रहना पड़ा था। जहां दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था, सुबह होती थी तो सोचते थे रात कब आएगी, और रात आने की सोचेंगे सवेरा कब होगा, और जब सवेरा होने लगता था तो सोचते थे ये दिन गुजरेगा कैसे, सब गुजरते। लेकिन सवाल सिर्फ दर्ज हुए मुकदमे भर का नहीं है, आजम खान की पॉलिटिक्स का भी है, क्योंकि उपचुनाव की जंग में सपा जो दो सीटें हारी उसमें एक सीट रामपुर की भी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां आजम खान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन इसके बाद भी सपा रामपुर में चुनाव हार गई, जबकि रामपुर में चुनाव की पूरी बागडोर आजम खान और उनके परिवार के हाथ में थी। जानकार इसे आजम का लिटमस टेस्ट मान रहे थे, जिसमें आजम खान बुरी तरह फेल हो गए। इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट, अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, क्या बताएं आपको। तो क्या मान लिया जाए आजम खान की मुस्लिमों से पकड़ कमजोर होने लगी है, क्योंकि जिस रामपुर में आजम खान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था वहां उन पर फिर से मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।